हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की अपडेट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और यहाँ पे अपडेट बहुत बढ़िया है। अगर आप एलिजिबल हो और अप्लाई करते हो तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट प्रोसीजर, और वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना अगर आप एलिजिबल हो। और पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले लाइक जरूर से कर देना वीडियो को, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना अगर वो भी एलिजिबल है। भाई लाइक का टारगेट 5000 लाइक्स रखते हैं। अब तो आप लोगों के लिए हमने टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दिए हैं, तो यार अब और क्या चाहिए आप लोग, यार जंप टू दिस टाइम ऐसा करते थे कमेंट में। चलिए अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन से कर चुके हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एरोनॉटिकल से किया है तब भी अप्लाई कर सकते हो। सिविल वाले हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल है। और डिप्लोमा ऑटो मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रिपल ई, एंड डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा सिविल अगर आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अब ये जो है अप्रेंटिसशिप नॉर्मल है, लेकिन इसका जो स्टाइपेंड है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको मंथली एक ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप को 15,000 मिल जाएगा और यहाँ पे एक टेक्नीशियन को 12,000 मिल जाएगा। आपको एक चीज़ मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल फ्री क्लास रखी हुई है अन अकेडमी पे कल 19 मार्च को शाम को 4 बजे, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और सॉल्व करने वाला हूँ गेट 2021 के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर आप HPCL, HAL जैसी अभी जितने भी PSUs खुद की एग्जाम कंडक्ट कर रही है उसमें आप अप्लाई करने वाले हो या कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। और उसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्टकट ट्रिक्स ये भी बताने वाला हूँ। सो कल शाम को 4 बजे की क्लास रहेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और आपको मेरा अनलॉक कोड यूज़ करना है अब्दुल 4343, जिससे आपका एनरोलमेंट हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। तो ज़रूर से एनरोल कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। So, इस वीडियो के बाद एनरोल जरूर से कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अप्रेंटिसशिप का लोकेशन क्या होगा, तो वो दिल्ली रहेगा। आपको यहाँ पे सफदरजंग एयरपोर्ट पे काम करना रहेगा वहाँ के वर्कशॉप में, और ये चीज़ें किस तरीके से कहाँ अप्लाई करना है वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि भाई आपकी यहाँ पे डिग्री वगैरह कंप्लीट हो गई होनी चाहिए, सो फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। नव यहाँ पे अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, तो मैंने आपको क्यों कहा कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि प्रोविजनल सिलेक्शन आपका जो है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा। मतलब कि आपके अगर अपनी डिग्री में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो आपके चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा है, प्रोविजनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब ये इंटरव्यू मेरे हिसाब से, जब अप्रेंटिसशिप का इंटरव्यू होता है तो हमने यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट होते हुए देखा है, तो इंटरव्यू इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपनी ब्रांच का, अपनी फील्ड का, और आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर आपके टेस्टिमोनियल्स को वेरीफाई किया जाता है, मेडिकल टेस्ट होती है, और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन ऑफ चांसेस आपके ज़्यादा है, और खास करके जब अप्रेंटिसशिप होती है तो आपके यहाँ पे जो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बेसिस पर। तो अगर अच्छे मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, टेंशन इतना मत रखना। अब अगर बात करते हैं इसकी अप्लाई करने की प्रोसीजर, लेकिन इसके सामने अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, एक और चीज़ भी है। अगर आप 2018 से पहले अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट किया हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो 2018-19-20 वाले अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आगे बात करते हैं लास्ट डेट, तो भाई 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, सो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एमएचआरडी नेट्स पोर्टल पे जाना होगा। वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी, जो कि बिल्कुल यहाँ पे फ्री है, लेकिन दिक्कत यही है कि उसको अप्रूव करवाने में आपको यहाँ पे 5 से 6 दिन लग जाएंगे। सो ये थोड़ा दिक्कत वाला मामला है, लेकिन जल्दी भी हो सकता है। अप्रूव कैसे करवानी है वो मैंने ये वीडियो में यहाँ पे आई बटन पे दिखा देता हूँ, वो मैंने पूरा समझाया हुआ है। मैंने अपनी आईडी 3 दिन में अप्रूव करवाई थी, सो आप कैसे करवा सकते हो वो वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। अगर बात करते हैं जिनकी आईडी अप्रूव हो चुकी है उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, तो मैंने खुद एस्टैब्लिशमेंट में जाके चेक किया हुआ है
ये जो वैकेंसी है, जब आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्च करते हो तो भाई बहुत सारे आपके सामने नाम आ जाएंगे, उसमें सेकंड पेज पे सबसे आखिरी वाला जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा, उसी का नोटिफिकेशन में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया RCDU, वो नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसमें आपको अप्लाई करना रहेगा। सो ये चीज मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने देखा तो बहुत मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, तो इसलिए आपको एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ। सो आपको वहां पे अप्लाई पे क्लिक करना है और हो जाएगा। मैंने इस बार एस्टैब्लिशमेंट में भी चेक किया हुआ है। नाम यहाँ पे जिनको ऐसा लगता है कि ये एप्लीकेशन, ये नोटिफिकेशन फेक है, तो भाई फेक बिल्कुल भी नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि फेक है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है, इन्होंने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपलोड किया हुआ है, तो हमारी टीम ने वहां से पिकअप किया और मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। तो ये चीज जो है फेक नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे कई बार अप्रेंटिसशिप की अपडेट नहीं रखते हैं। सो आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए चीज बता रहा हूं, बाकी मैं तो चेक कर चुका हूं, यहाँ पे ओरिजिनल है। आप में से जिनको यहाँ पे अप्लाई करना हो सो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है, और स्टाइपेंड बहुत ही बढ़िया है और सिलेक्शन के चांसेस काफी आसान है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चली से कंप्लीट करने हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।